देखिए दोस्तों, आज हम लोग साइकिल देखिए बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है दोस्तों, तो इस साइकिल को आज शैम्पू से धो रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग, साइकिल बहुत ही बदतर पड़ा हुआ था और लगभग तो एक साल हो गया था दोस्तों ये। और एक बार हम लोग फिर धोए थे और इस बार हम लोग फिर धो रहे हैं साइकिल को, क्योंकि इस साइकिल को ही बना नहीं पाए हैं। तो फिलहाल ऐसे पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा साफ़ सुथरा करके रखना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पोंछा ओछा लगा लेते हैं साइकिल का। तो ये देखिए पानी भर कर भी रखे हैं दोस्तों हम लोग, और पानी में और उसके साथ ही कपड़े को पानी में मतलब डुबा दे रहे हैं, और उसके साथ में उसके पोंछा लगा दे रहे हैं साइकिल को, देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसे नहला देंगे दोस्तों। तो और थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, उसे भी अच्छे खासे पोंछ लेते हैं। इधर तो पोंछ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं इधर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा, और इधर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इधर भी हम लोग पोंछा ही लगा देते हैं, देख सकते हैं ये मतलब घंटी वंटी सब टूट टूट गया है दोस्तों, इसको बना नहीं पा रहे हैं हम लोग अभी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग रिंग साइड धो मतलब पोंछा लगा रहे हैं, और इधर देखिए, इधर मतलब लिखा हुआ भी बहुत ही क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग उधर पहुँचे थे और इधर इस साइड में पहुँचे थे, और उसके बाद देखिए बाल्टीन को लेकर इधर भी पोंछा कर देते हैं, और देखिए रिंग को भी पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सबको पहुँचते जाना है दोस्तों। इस साइड भी मतलब बहुत ही गंदा है, इस साइड भी और उधर साइड भी है। और देखिए हम लोग अभी चैन को पोंछा लगा रहे थे, ये देखिए चैन के नज़दीक भी बहुत ही गंदा पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था दोस्तों, जो मतलब क्या बोलते हैं, धूल उल जो चिपक गया था ना दोस्तों, वो इसी तरह से चिपक गया था धूल उल सब, और अच्छा लग रहा था साइकिल देखने में, बहुत ही बदतर दिख रहा था दोस्तों। तो देखिए हैंडल को देख सकते हैं, हैंडल आप थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने लगा है, और देखिए साइकिल का आप नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके अच्छा दिख रहा है। अब स्पेशली इधर मतलब रिंग विंग बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, रिंग का जो तार वार है दोस्तों वो भी बचा हुआ है, तो उसे भी हम लोग पोंछा लगा लेते हैं। ये सीट ही बचा हुआ, देखिए सीट को तो देखोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, देखिए सीट कैसा है, सीट को नया मतलब धरवाना पड़ेगा दोस्तों, क्या करेंगे उसमें, लगाना पड़ेगा सीट वीट, ऐसे ही पड़ा हुआ है खटारा, क्या करेंगे। वो साइकिल वाइकिल हम लोग अभी नहीं चला रहे हैं, तो फिलहाल वो ऐसे पड़ा हुआ है अभी। तो इस साइकिल का बनवाऊंगा बोल रहा हूँ दोस्तों, तो इस साइकिल का बनवाऊंगा तो खेत में आना जाना हो जाएगा, घर से खेत, खेत से घर, और बाइसाइकिल सॉरी दोस्तों मतलब गाड़ी वाड़ी तो नहीं है अभी फिलहाल अपने पास, तो घर में एक आध गाड़ी पड़ा हुआ है, तो पिथौरा घर जाने के लिए होता है, पिथौरा गांव जाने के लिए बस। और घर में रहते हैं तो दोस्तों हम लोग साइकिल में जाते हैं, घर से खेत, खेत से घर, वैसे चलता है हमारा। तो साइकिल का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइकिल हमारा अभी धन है बोलो, साइकिल में काम वाम करने के लिए जाते हैं हम लोग, और भी बहुत ऐसी है। अब मज़दूरी काम करते हैं दोस्तों, हम लोग दिहाड़ी मज़दूर हैं, और थोड़ा वोड़ा ऐसे वीडियो भी बना लेते हैं हम लोग, कुछ कुछ वीडियो बनाने का बहुत ही शौक़ है दोस्तों, इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, अब हम लोग पानी से नहला रहे हैं बाइसाइकिल को, ये देखिए, और इसी तरह से हर साइड की तरफ हम लोग नहला देंगे बाइसाइकिल को। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने लगा है मेरे बाइसाइकिल दोस्तों, बहुत ही गंदा पड़ा होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता दोस्तों, उसको भी साफ सफाई करना चाहिए। जो चीज़ आप लोग को
धन वन देता है दोस्तों आप लोग को चलने के लिए, तो कुछ नहीं आप लोग साइकिल में ही कहीं कहीं जाते हो तो साइकिल अपना काम करता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग साइकिल को भी अच्छे खासे साफ़ सुथरा रखो, या फिर गाड़ी है आपके पास तो गाड़ी को भी साफ़ सुथरा रखो, गाड़ी से ही काम वाम चलता है दोस्तों, गाड़ी या फिर साइकिल हो। तो देखिए हमारा बाइसिकल अब अच्छे दिखने लगा है, अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, बाइसिकल दिख रहा हूँ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, साइकिल ऐसा दिखना चाहिए हमेशा। और देख सकते हैं पानी और भी भरे हुए हैं, जितना पानी लगे उतना देंगे दोस्तों हम लोग। ये देखिए अब अच्छा दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। मतलब टायर देखिए दोस्तों, टायर में हवा नहीं है, इस साइड में टायर में हवा नहीं है तो टायर को ही बदलाना पड़ेगा दोस्तों, और उसके साथ ही ट्यूब भी बदलाना पड़ेगा। और इस साइड का जो मैडम जी धो रहे हैं दोस्तों उसी का मतलब टायर को, तो टायर अच्छा है दोस्तों, ट्यूब को बस बदलाना पड़ेगा उसका। और इधर साइड कुछ ऑयल वेल लगाना पड़ेगा दोस्तों, और हैंडल को भी थोड़ा मतलब हैंडल भी बिगड़ गया है तो हैंडल को थोड़ा लगवाना पड़ेगा। और सीट तो आप लोग बदतर देख रहे हो, सीट को भी नया लगाना पड़ेगा दोस्तों, लगभग इसमें 1000 खर्चा है, और इसे बना लेंगे फिर आना जाना हो जाएगा अपना। बस घर से खेत जाना है, घर से खेत, खेत से घर, और क्या। अभी तो काम वाम करने के लिए नहीं जा रहे हम लोग, तो फिलहाल खेत ही जाते हैं। आप तो देखे हो खेत में धान वान थोड़ा सा लगाए हैं, तो उसी को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर देखने के लिए नहीं जाओगे तो बैल वैल भी खा लेते हैं दोस्तों, तो इसीलिए जाना पड़ता है। तो साइकिल वाइकिल को धो लेते हैं अच्छी तरह से हम लोग। ये देखिए बाल्टीन का पानी भी अब ख़त्म होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों बाइसिकल हम लोग को अब अच्छा लगने लगा है थोड़ा सा, और मैडम जी भी बहुत खुश है, तो बाइसिकल अच्छा दिखने लगा है। तो देखिए बाल्टीन का पानी पूरा ख़त्म हो गया है दोस्तों, 3 बाल्टीन पानी भरे थे सब ख़त्म हो गया है। अब मैडम जी हाथ हाथ पैर वैर धो रही है, हाथ हाथ पैर धो ली दोस्तों। अब धोने के बाद तो साइकिल को उधर रख देगी, देख सकते हैं साइकिल भी चलाते हैं दोस्तों, मतलब लड़की थी तो उस टाइम ये साइकिल वाइकिल भी चलाती थी, और पढ़ाई भी की है, वो लगभग 10वीं 11वीं तक पढ़ाई की है दोस्तों। तो देखिए उस साइड साइकिल वाइकिल रख दी। अब साइकिल दोस्तों रखने के बाद तो देखिए और भी तो हमारे पास कुछ काम नहीं है फिलहाल, तो हम लोग साइकिल को बस धो दिए हैं। अब धोने के बाद देखिए मैडम जी अब काम वाम नहीं है मैडम जी के पास, तो फिलहाल देखिए खड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को, बाय बाय।